आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत कहा जाता है, रावण दहन के साथ नवरात्रि का समापन भी हो जाता है, लेकिन इस बार सरकार की ओर से किसी भी प्रकार से रावण दहन पर रोक नहीं लगाई गई है। इसी का कारण है कि दिल्ली के हर कोने में रावण बनते हुए देखे जा सकते हैं। सुल्तानपुरी के पार्क में भी आप रावण देख सकते हैं। इस तरह से रावण बनाया जाता है, एक रावण में 7 मजदूर लगते हैं और 4 दिन में एक रावण बनकर तैयार होता है। खास बात यह है कि इस बार किसी भी रावण में एक भी पटाखे नहीं लगाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की ओर से पटाखों पर बैन लगा हुआ है, इस कारण इस बार रावण में पटाखे नहीं लगाए जाएंगे। ऐसे में दिल्ली के हर कोने में रामलीला का मंचन जगह जगह हो रहा है। जहाँ जहाँ रामलीला का मंचन हो रहा है उतनी जगह रावण के पुतलों का दहन होगा। इसलिए आप देख सकते हैं रावण 5 फुट से 50 फुट तक के रावण बनाए जा रहे हैं। मैं रामे नहीं रहे। नीरज जी, रावण बनाने की जो प्रक्रिया है कितने सालों से आप कर रहे हैं? देखो जी, यहाँ पर है अर्जुन रावण वाले पहले से रावण बनाते आ रहे हैं, उनके पापा रावण बनाते थे पहले, ठीक है। 30-40 साल रावण बनाते बनाते अब हम भी रावण बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब जो रावण बनते आ रहे हैं, कम से कम 30 साल से रावण बन रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर रावण बनते 10 फुट से लेकर 50 फुट तक के रावण बनते हैं, और जो ऑर्डर पर कोई बनवा सकता है 60 फुट 70 फुट 80 फुट का रावण भी बन सकता है यहाँ पर। अभी ज़्यादा से ज़्यादा कितने फुट का भी ऑर्डर आया है यहाँ पर? अवेलेबल यहाँ पर जो अभी जो मैक्सिमम है वो 50 फुट तक का रावण है। अच्छा, ये बताएं कि अभी दिल्ली पुलिस की ओर से या कोई एजेंसी आपको किसी प्रकार की कोई अल्टीमेटम दिया है कि उसमें पटाखे लगाने नहीं लगाने, कितने फुट का बनाना है कितने का नहीं बनाना है, ऐसा कुछ नहीं? यहाँ पर देखो कोई मतलब पुलिस वालों की तरफ से कोई वो नहीं है, बस ये है कि आप बम का काम नहीं चल सकता, और ना बम हमने आज तक कभी रावण में लगा के दिए, ना हमारा कोई बम का काम है यहाँ पर। सिर्फ हमारा काम है पुतले बनाने का, ढांचे बना के देते सिर्फ पुतले बना के, और बाकी हमारा कोई काम नहीं इनके अंदर। अच्छा, कुछ लोग आते भी होंगे भैया इसमें बम लगा के देते, उनको क्या कहते? बोलते हैं बहुत से जो ग्राहक आते हैं हमारे पास, जो कस्टमर आते हैं बोलते हैं बम लगाने के लिए, हम सामना करते हैं बम का हमारे पास कोई भी वो नहीं है, आप बम अपना आप लगवाओ चाहे मत लगवाओ, हमारे यहाँ सिर्फ पुतला जाता है लोड हो के, बाकी कुछ नहीं। यहाँ से तो कहाँ कहाँ जाता है सर आपके यहाँ से? देखो यहाँ से रावण राजस्थान तक गया हुआ है, हरियाणा राजस्थान दिल्ली के अंदर तो सारी जगह रावण जाते हैं यहाँ से। एक बार अपना नाम बताओ। अर्जुन जी। अर्जुन जी, कितने सालों से रावण बना रहे हैं और इस समय रावण कितने फुट का बना रहे हैं और कहां कहां से ऑर्डर आता है? मेरी 40 साल उम्र होगी। अच्छा, 40-45 साल उम्र होगी मेरे को रावण बनाते बनाते भी। अर्जी 40 से 50 फुट तक मतलब बना के देते हैं हम। तो ये पार्क में बना रहे हैं आप? हाँ जी। तो इस पार्क के अंदर आप कितने वर्षों से बना रहे हैं और क्या कोई रोक टोक है किसी मतलब किसी प्रकार का कोई अल्टीमेटम दिया गया हो पुलिस की ओर से? जी एप्लीकेशन लगाते हैं जी हम, ये MLA से लिखवा के। अच्छा। हाँ जी, अब के थोड़ा सा लेट हो गए हैं बरसात के से, ये काम हम कर नहीं पाए थोड़ा सा। हाँ जी, तो देखा बहुत सारे रावण हैं ऐसा जी, हम एप्लीकेशन लिखवाते हैं वहाँ, दे के भी आते हैं परमिशन भी लेते हैं जी हम। हाँ जी, तो अभी कोई ऐसा आदमी आया है जो पटाखे लगाने की बात कर रहा हो? नहीं नहीं जी, कोई पटाखे लगाते हम लगाते नहीं है पटाखा, ना देते हम यहाँ से, हम तो खाली पुतला पुतला बनाते जी। अच्छा। हाँ, पटाखे देते ही नहीं है जी, ना हम बनाते हैं ना हम देते हैं। ये क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग अभी भी पुतले में पटाखे लगा कर रावण का दहन करते हैं? वैसे पुतले में बम थोड़ा बहुत लगाना चाहिए, ज़्यादा तो वैसे लगाना नहीं चाहिए, प्रदूषण है भाई, परेशानी होती है लोगों को, सबको कम ही लगाना चाहिए वैसे, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं इसमें लगाना चाहिए। अच्छा, ये आपको पता है कि दिल्ली सरकार ने बैन कर रखा पटाखा? हाँ जी, कर रखा है बिल्कुल। के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।